गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अंजलि। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीवा अरोड़ा से। और भला रीवा अरोड़ा का कौन फ़ैन नहीं होगा, मतलब छोटे से लेके बड़े तक सभी उनके फ़ैन हैं। और मुझे लगता है हम सभी उनसे बात करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से रीवा अरोड़ा का नंबर ट्राई करने वाली हूँ, जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं उन्हें ट्राई करूँगी। बट मेरे पास तो रीवा अरोड़ा का नंबर है, तो पहले मैं उन फेक नंबर्स को ट्राई करूँगी कि क्या वो रियली में फेक हैं या फिर रीवा अरोड़ा का दूसरे जो फ़ोन है उनके नंबर्स हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ना जब सर्च करते हो इतने ज़्यादा नंबर्स मिले मुझे, तो उसमें से मैंने कुछ ट्राई करे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ट्राई करना बनता है। और अगर आप लोग रीवा अरोड़ा के फ़ैन हो ना, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएँ। तो आप लोग जैसे जानते हो कि रीवा अरोड़ा के प्रैंक्स कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं, एंड स्पेशली वो अपनी मम्मी के साथ प्रैंक करती है, और हर बार उनकी मम्मी बहुत इजीली प्रैंक में फंस भी जाती है। एंड वी ऑल नो कि उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली है, वो वीडियो अगर आप लोग रीवा अरोड़ा के ट्रू फैन होंगे तो पता ही होगी कौन से वीडियो डाली है। येस गाइस, नॉन स्टॉप क्राइंग प्रैंक ऑन मॉम। मतलब सीरियसली जब वो मैंने वीडियो देखी थी, रियली आई फेल्ट अ लिटिल बिट इमोशनल। बट मुझे पता था ये प्रैंक हो रहा है, बट थोड़ा सा मुझे इमोशनल वाली फीलिंग आई बिकॉज उनके मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा वो वाला भी प्रैंक भी। एंड गाइस क्या बताऊँ, उनके हर प्रैंक इतने ज़्यादा अमेजिंग होते हैं ना, बस देखते रहो जाओ। उनके व्लॉग से ज़्यादा मुझे उनके प्रैंक्स पसंद आते हैं, तो मैं भी उनके साथ प्रैंक करने वाली हूँ। आप लोगों को देखना है वो प्रैंक, तो इस वीडियो में बने रहना। और अब मैं पहले वो नंबर्स ट्राई करती हूँ गाइस जो इतने ज़्यादा फेमस हो रखे हैं इस धरती पे कि यही रीवा अरोड़ा का नंबर है, इससे हम बात कर सकते हैं। तो मैं भी वही ट्राई करूँगी। एंड बस रीवा अरोड़ा की मैं चाहती हूँ जल्दी से 1 मिलियन हो जाए, बिकॉज उनके 762K हो चुके हैं, 7 लाख अबव सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं बस चाहती हूँ कि जल्दी से 800K हो जाए, फिर से द 1 मिलियन। एंड जस्ट सिल्वर प्ले बटन तो कब आ गया है, गोल्डन प्ले बटन भी उनके हाथों में आ जाए, दैट्स वुड बी सो अमेजिंग। सो और गाइस अगर आप लोग रीवा अरोड़ा के असली वाले सच्चे वाले फैन हो तो इस वीडियो को हिट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पे जो मेरा नंबर है, मतलब जो मैंने लिया है, उसे मैं ट्राई करने वाली हूँ कि जो नंबर लगता है कि नहीं। क्योंकि मैंने जब ये नंबर लिया था ना, तो वो ना वीडियो कॉल बात कर रही थी, वरना वो शॉक लाइक सीरियसली यही नंबर है रीवा अरोड़ा का, तो फिर तो उन्हें बहुत ज़्यादा डेली कॉल्स आते होंगे। फिर मैंने सोचा ये नंबर भी मैं आप लोगों के सामने ही ट्राई करूँगी, ये जो नंबर है लगता भी है या बात हो भी पाती है या नहीं। और अगर आप लोगों को देखना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चले कि जो नंबर इतना ज़्यादा फेमस हो रखा है आगे इसकी सच्चाई क्या है। तो फिलहाल तो मैंने जो नंबर है वो डायल कर लिया है, फिर भी मैं नंबर बता देती हूँ आप लोगों के पास। नंबर है 9599047666। और एक बार मैं और बता देती हूँ, 9599047666 यही नंबर है। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप लोग ज़्यादा नंबर को लेकर परेशान मत होना कि नंबर तो बोल दिया अब लिखें कहाँ से। फिलहाल मैंने बोल भी दिया है, नंबर पे भी लगा दूंगी, तो डोंट वरी। सो अब मैं जल्दी से ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि जो नंबर हमारा लगता है कि नहीं। The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. Like seriously? जब नंबर इनवैलिड हो सकता है तो कोई इससे वीडियो कॉल कैसे बात कर सकता है? आई मीन वीडियो कॉल क्या किसी भी तरीके की कॉल पॉसिबल ही नहीं है, तो उनका वीडियो कॉल कैसे लग गया? आई एम सो सरप्राइज यार कि जब नंबर अनरीचेबल आ रहा है तो कोई भला कॉल पे कैसे बात कर सकता है। दैट वाज सो शॉकिंग कि उन्होंने वीडियो कॉल बात करी है, जो नंबर था वो इनवैलिड है। सोचने वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे उठते हैं। ओके तो एक बार मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, शायद लकीली हमारा लग जाए जैसे उनका लग गया था। डायल किया गया नंबर
कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। जांच कैसे करें जब नंबर यही दिखाया है, तो जांच कैसे कर सकते हैं? क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, मतलब नंबर ऐसे वो लोग मतलब दिखाए थे कि नहीं नंबर तो यही है। ओके सो फाइनली मैंने आप लोगों की तसल्ली के लिए वो नंबर्स भी ट्राई कर लिए, एंड अब मैं करने वाली हूँ रीवा अरोड़ा से प्रैंक, एंड लेट्स सी गाइस कि हमारा कॉल पिक्ड होगा कि नहीं। तो गाइस चलते हैं और रीवा अरोड़ा से थोड़ी सी मस्ती करते हैं, थोड़े से मजे लेते हैं, एंड लेट्स सी कि रीवा अरोड़ा का क्या रिएक्शन होगा। तो जल्दी से कॉल करती हूँ मैं रीवा अरोड़ा को, एंड लेट्स सी गाइस उनका क्या रिएक्शन होगा। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ कॉल। ओके सो नंबर डायल कर लिया, नंबर ऐसे पब्लिकली नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि उनका पर्सनल फ़ोन है, और ऐसे मैं पब्लिकली शो कर दूँगी तो शायद मेरे अगेंस्ट वो कुछ नाराज़ हो जाएं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो। तो मैं अभी नंबर नहीं शो कर रही हूँ, मैं पहले उनके परमिशन ले लूँगी, देन आई गिव यू द नंबर, एंड जो नंबर मैंने ट्राई करी तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स सी गाइस कि मैं लगता है नंबर की नहीं, आई डोंट थिंक सो कि नंबर उठाई देगा। सो ये अपने आप कट हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ ये गाइस, दोबारा ट्राई करते हैं। मतलब दिखा तो यही रहा है कि भाई रिंगिंग हो रही है, बट आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, रिंग होके भी ये रह जा रहा है। एक बार मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, बिकॉज आई थिंक शी विल बी बिजी, बिकॉज एज यू ऑल नो उनका कितना ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, तो मैं नहीं चाहती कि बार बार डिस्टर्ब करूँ, बट आई एम थिंकिंग दैट मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो एक बार हमारी बात हो जाएगी तो ही ठीक लगेगा। मैं दोबारा कॉल करती हूँ, एंड इस बार वो नहीं उठाएंगे कॉल तो मैं नहीं करूँगी, एंड वो बिजी होंगी स्पेशली, सो मैं एक बार कॉल करती हूँ दोबारा। हेलो हेलो, हाय रीवा, मैं अंजलि बोल रही हूँ आपकी फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ अंजलि, आई एम बिग फैन, अब याद आया आपको मैं रीवा? जी मैंने पहले भी आपके साथ प्रैंक कॉल कर रखी, बट मैंने सोचा मेरे फैन चाहते मैं आपके साथ दोबारा प्रैंक कॉल करूँ, सो क्यों ना दोबारा करा जाए। ओह माय गॉड यार, मैंने कैसे बोल दिया कि मैं आपके साथ प्रैंक शिट। एक्चुअली ना मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने आपके बहुत ज़्यादा जो नंबर वायरल रखे थे ना, मैंने उनको सोचा कि चलो करते हैं कि रियल है या फेक, बट मैंने आपसे प्रैंक करने से पहले ही बोल दिया कि ये सारे जो हैं ये सारा नंबर सब प्रैंक है, सब आज का वीडियो का मतलब एकदम तबाह हो गया, डिजास्टर हो गया, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था कि अब प्रैंक है। सो आप अभी क्या कर रहे हो? मैंने बोला था कि रीवा अरोड़ा का कॉल नहीं लग रहा, आई थिंक वो बिजी होंगी इसीलिए कॉल नहीं पिक कर रही हैं, तो मैं भी आपसे बाद में डिस्टर्ब करूंगी, नहीं बाद में भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं अभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं आपसे फिर कभी फ्री टाइम में कॉल करूंगी, बिकॉज अभी मेरा प्रैंक करने का जो पूरा मूड था वो ख़राब हो गया है, मैंने अपने मुंह से ही बता दिया कि मैं प्रैंक करने वाली हूँ, सो मैं आपसे फिर से बात करूंगी। ओके टेक केयर, बाय रीवा। सो गाइस आई डोंट नो क्या हुआ ये, मैंने खुद ही अपने मुंह से बता दिया कि मैं प्रैंक करने वाली हूँ तो सारा मतलब किरकिरा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा हम नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे फिर उन्हें नहीं बताएंगे कि प्रैंक कर रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड पे बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना, एंड अगर आप लोग रीवा अरोड़ा के बिग फैन हो तो इस वीडियो को बिना लाइक करें मत जाना। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।